Hey everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to show you this beautiful cut crease eyeshadow look. So, बहुत दिनों के बाद मैं एक नया वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. So, I hope आपको अच्छा लगेगा ये look. और अगर आपको देखना है how to create this look, then please keep on watching this video. बहुत ही simple तरीके से इस look को मैं create करके दिखाई हूँ. So, let's get started with the video. सबसे पहले आई शेडो बेस के लिए मैं एक कंसीलर यूज़ करूँगी और साथ में मैं ब्रश के लिए यूज़ की हूँ प्रो आर्ट का कंसीलर ब्रश. यहाँ पे मैं कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी सबसे पहले एंड उसके बाद मैं कंसीलर ब्रश के साथ इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी. ब्रश के साथ मैं ब्राउज के नीचे भी क्लीन कर दूँगी और साथ में स्प्रेड कर दूँगी पूरे कंसीलर को ऑल ओवर आईलिड पे. इसके बाद जो भी एक्सेस कंसीलर है उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड स्प्रेड कर दूँगी. नेक्स्ट यहाँ पे आई शेडो बेस को सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं एक पाउडर यूज़ कर रही हूँ. दिस वन इज़ फ्रॉम मेबेलिन. सो यहाँ पे मैं उसके साथ कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी. इसके बाद मैं आई शेडो अप्लाई करना शुरू करूँगी. सबसे पहले एक पिंकिश कलर का एक आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ विथ ए फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश. सो यहाँ पे मैं कलर को लेके आउटर वी से स्टार्ट कर रही हूँ प्लेस करना और धीरे धीरे मैं इसको फेड आउट भी करूँगी थोड़ा सा ऊपर के साइड जाने पे. सो यहाँ पे ये ट्रांजिशन शेड के जैसे भी काम करेगा. यहाँ पे मैं इस शेडो को आउटर वी एंड क्रीज पे अप्लाई करूँगी को अच्छे से ब्लेंड करूँगी और सॉफ्ट सा ट्रांजिशन क्रिएट करूँगी यहाँ पे एज यू कैन सी. इसके बाद मैं पर्पल शेड ले लूँगी और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ आउटर वी पे. सो यहाँ पे आप कोई भी पैलेट में से जो भी कलर मैं यूज़ कर रही हूँ उसको आप यूज़ कर सकते हो. सो नॉट नेसेसरी मैं जो पैलेट यूज़ कर रही हूँ उसी को ही आपको यूज़ करना है. सो यहाँ पे एक स्मॉलर ब्रश के साथ मैं पर्पल शेडो को ले के आउटर वी पे अप्लाई की हूँ और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लूँगी प्रीवियस शेड के साथ. सो जिन लोगों को पता नहीं है, सो रिसेंटली मुझे एक बेबी बॉय हुआ है जिसके वजह से मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गई हूँ, थोड़ा कम अपलोड कर पा रही हूँ अभी. बट मैं बहुत जल्दी फिर से रेगुलर हो जाऊँगी और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट अपलोड करूँगी इस चैनल के लिए. सो स्टे ट्यून, मैं बहुत जल्दी रेगुलर हो जाऊँगी होपफुली. सो यस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जस्ट कलर को प्लेस की हूँ. अगेन मैं प्रीवियस जो शेड था उसके साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी पर्पल शेडो को भी, ताकि ये भी सॉफ्ट सा लुक दे और ब्लेंडेड लगे प्रीवियस शेड के साथ. इसके बाद मैं क्रिएट करूँगी कट क्रीज. फॉर दैट मैं सेम कंसीलर ब्रश को यूज़ की हूँ एंड सेम कंसीलर को यूज़ की हूँ. सो यहाँ पे मैं क्रीज पे मार्क कर लूँगी कहाँ पे मुझे कट क्रीज ड्रॉ करना है एंड उसके बाद मैं लिड स्पेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी विद दैट कंसीलर. सो यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम ले कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए. और अगर आपको कट क्रीज ड्रॉ करने नहीं आता है, मैं इससे पहले बहुत अच्छा अच्छा हैक आपके साथ शेयर की हूँ टू ड्रॉ कट क्रीज वेरी इजीली. तो वो वीडियो आप देख सकते हो, मैं लिंक कर दूँगी. सो यहाँ पे मैं कट क्रीज ड्रॉ की हूँ एंड उसके बाद कंसीलर के जो आउटर वी पे एज है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी विद दैट पर्पल शेडो. सो उसके साथ मैं काइंड ऑफ थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी उसके एज को
ताकि कंसीलर के एज बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो। इसके बाद मैं पाउडर के साथ सेट कर लूँगी कंसीलर को, एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी एक शिमरी शेड। सो शिमरी शेड को मैं फ्लैट ब्रश के साथ यहाँ पे अप्लाई करूँ फ्रंट सेक्शन पे। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल शिमरी शेड है, ये काइंड ऑफ सिल्वरी शैम्पेन शेड बोल सकते हो, और इसमें बहुत फाइन स्पार्कल्स है जो कि बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे आई डोंट नो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं, बट दिस शेड इज़ सो ब्यूटीफुल। इसके बाद मैं एक पर्पल कलर का ही शिमरी शेड को अप्लाई करूँ जस्ट आउटर वी के शेडो एंड सिल्वर शेडो के बीच में, काइंड ऑफ ये भी ग्रेडिएशन क्रिएट करेगा फ्रॉम सिल्वर टू पर्पल। सो यहाँ पे मैं कलर को प्लेस करी। सो यहाँ पे मैं शिमरी शेड के साथ थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए प्लेस करूँगी। अगेन मैं जो सिल्वर शिमरी शेड था उसको फिर से अप्लाई करी हूँ ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एज विजुअल ना हो। इसके बाद मैं आउटर वी पे थोड़ा सा कंसीलर के साथ क्लीन कर लूँगी ताकि शार्प एज मिले। इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे आईलाइनर। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर ली हूँ एंड इसके बाद आईलाइनर अप्लाई करूँगी। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ मीडियम थिक एंड लॉन्ग आईलाइनर अप्लाई करूँगी। सो जो भी आपको ठीक लगे, इवन यू कैन स्किप दिस आईलाइनर, बट आई थिंक इस लुक के साथ आईलाइनर बहुत अच्छा जा रहा है। सो यहाँ पे मैं एक आईलाइनर ड्रॉ की ली हूँ। सो मेरे चैनल पे आईलाइनर के ऊपर में भी बहुत सारा ट्यूटोरियल है, सो उसको आप प्रेफर कर सकते हो फॉर आईलाइनर अगर आपको दिक्कत होता है आईलाइनर अप्लाई करने में। इसके बाद मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ लोअर वाटर लाइन पे, ब्लैक कलर का काजल, एंड पर्पल शेडो को मैं लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई कर रही हूँ, लोअर लैश लाइन के। एंड उसके बाद जो ट्रांजिशन शेड था उसको भी लेके थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड इनर कॉर्नर पे मैं जो शिमरी शेड अप्लाई की थी उसी को ही अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने पॉइंटेड इनर कॉर्नर अप्लाई की हूँ एंड मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे अपर एंड लोअर लैशेस पे। बहुत सारा बार मैं यहाँ पे कोट करूँगी। एंड उसके बाद मैंने फोर्स आई लैशेस भी अप्लाई किया है। सो बिफोर दैट मैं यहाँ पे ब्राउ बोन को थोड़ा सा हाईलाइट करूँ। एंड हियर इज़ द फाइनल फिनिश लुक। कैसा लग रहा है आपको ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और कैसा ट्यूटोरियल आपको नेक्स्ट देखना है वो भी कमेंट डाउन कीजिएगा। सो आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। सो अगर आप ये लुक क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कीजिएगा। सो इसी के साथ आज का ट्यूटोरियल फिनिश होता है। मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।